खोराबार पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर खोराबार पुलिस की टीम ने 4 शातिर लुटेरों को खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमही जंगल गोरेया बीर बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान जितेंद्र गौड़ पुत्र रामा गौड़ निवासी बिजहरा थाना पिपराइच, विशाल गौड़ पुत्र पिंटू गौड़ निवासी रुदलापुर थाना खोराबार, मेराज अली उर्फ बोदे पुत्र हजरत अली निवासी कुसमही बाजार थाना खोराबार, इरफान खान पुत्र मैनुद्दीन खान निवासी रुदलापुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लुटेरों द्वारा बताया गया है कि 4 अगस्त और 14 अगस्त को कुसमही मोड़ से अलग अलग व्यक्तियों से मोबाइल की जबरदस्ती छिनैती किए थे और भी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में खोराबार थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह, उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल कौशल कुमार यादव, कांस्टेबल अनुराग सिंह, धीरज कुमार यादव सहित सत्येंद्र कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आज खोराबार पुलिस के द्वारा गोरिया बीर बाबा मंदिर कुसमही जंगल के 5:33 पे मुखबिर की सूचना पे 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है तेजेंद्र गौर, विशाल गौड़, मेराज अली उर्फ बोदे और इरफान खान। इन्होंने 2 घटनाएं कारित की थी, एक 4/8/2021 को की थी मोबाइल स्नैचिंग की और दूसरी 14/8/21 को भी कुसमही मोड़ पे की थी। इनके पास से 1 अदद मोबाइल, 2 अदद मोटरसाइकिल, बजाज पल्सर बरामद की गई है। मुकदमा अपराध संख्या 370/21 और 386/21 धारा 392 इसमें, और इसके पास 207 MVA में इनकी बाइक भी सीज की गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है।